मुंबई से यहाँ इंडिया लेजर टीम का लेजर टीम आया है जो कि यहाँ लेजर शो कराएगा, जिसमें कुछ थीम इस प्रकार का सेट किया गया है कि माँ दुर्गा महिषासुर का वध करेंगी आसमान में। एक विजिट किया मैंने, सिटी भी विजिट किया। दिस इज द वन आई लाइक एंड दिस इज द बिग वन, सो दिस इज वेरी ग्रेट एंड दैट ब्यूटीफुल प्रतिमा, सो आई वेरी लाइक इट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज नवरात्रा का आठवीं दिन है, आज आठवां दिन है और आज के दिन लोग उपवास भी रखते हैं, जो पूरे नौ दिन का फास्टिंग नहीं रखते हैं उन लोगों का है। और मैं आपको बोली थी कि मैं मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं पंडाल को आपको दिखाऊंगी, और अभी मैं एतवारपुर के एक पंडाल में हूँ। और इस पंडाल की बहुत ही खासियत है, बहुत दिनों से इसका नाम सुन रही थी, अखबारों में भी इसका काफ़ी नाम आ रहा था। इसकी खासियत ये है कि लेज़र लाइट का इसमें खासियत है, कहा जा रहा है कि आज से यहाँ पे लेज़र लाइट का कुछ प्रोग्राम चलेगा, महिषासुर का वध आसमान में किया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये लेज़र लाइट आपने दिल्ली में देखा होगा कि किस तरह से लेज़र लाइट का प्रोग्राम होता है, और यह बिहार में भी लेज़र लाइट का यहाँ पर प्रोग्राम है। और जो कारीगर की बात अगर करें तो जो कारीगर है वो स्पेशल मुंबई से बुलाए गए थे जो कारीगर है, और यहाँ का जो मूर्तियाँ हैं उस वो काफ़ी भव्य तरीके से है। जो साउथ इंडिया में आपने देखा होगा, वो साउथ इंडिया में जो भव्य तरीके से जो मंदिर बनाए हुए रहते हैं उसकी मूर्तियाँ जो रहती है, बिल्कुल उसी तरह से देखने को मिल रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ आई थी तो मैं देखी थी कि साउथ तरफ के जो सॉन्ग होते हैं वही बज भी रहे थे, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं। मैं थोड़ा सा उनसे बात कर लूँ। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। अवनीश, मैं देखती हूँ कि एतवारपुर में हर साल कुछ अलग ही अलग तरीके से यहाँ पे पंडाल बनाया जाता है, इस तरह से सोच आप लोग कहाँ से लाते हैं? ये साउथ तरफ का जो बन है उसी का लुक है। ये हमारे अध्यक्ष मुनील यादव जी जो हैं वो घूमने गए थे शायद, तो उनको ये थीम अच्छा लगा जिससे वो प्रेरित हुए और फिर उसको बनवाने का सोचे और यहाँ बनवाए। और लाइटिंग का कुछ ये है, मतलब सुन रहे हैं कि कुछ लाइट भी अच्छे। मुंबई से यहाँ इंडिया लेजर टीम का लेजर टीम आया है जो कि यहाँ लेजर शो कराएगा, जिसमें कुछ थीम इस प्रकार का सेट किया गया है कि माँ दुर्गा महिषासुर का वध करेंगी आसमान में। पर्दा फॉग रहेगा, फॉग मशीन आज से ही चालू होगा सारा कुछ। हाँ, आज 7। और वो जो मैं लाइटिंग वहाँ पे देखी हुई हूँ सारा शायद वही है, उसी लाइट से? नहीं, वो लेजर लाइट रहेगी, लेजर अलग फिर आज लगाई जाएगी आज। और वो भी लाइट का मैं देख रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये किया जा रहा है जी। चलिए, थोड़ा मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि ये सब पूरे करने में लागत कितना तक आ जाता है? बहुत अप्रोक्स 25-30 लाख जी। इतना हेल्प करते हैं सब लोग जी। चलिए, तो मैं थोड़ा दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं साउथ तरफ से। पटना से आप 2 किलोमीटर अंदर की ओर सिपारा से होते हुए आप एतवारपुर पहुँच सकते हैं और यहाँ पर आके यह मूर्तियाँ को देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, पटना से भी लोग इधर इस साइड में पहुँच रहे हैं बस ये पंडाल को देखने के लिए। चलिए, कुछ श्रद्धालु यहाँ पे जो हैं उनसे बात कर ले। आप किधर के हैं? मेंबर ही हैं। लोग से पूछिए, वो लोग भी बताएंगे कि उनको कैसा सहयोग उन लोग का ज्यादा है। हाँ, आप लोग यही हैं? नहीं, मैं तो बैंगलोर से आई हूँ। बैंगलोर से आई हैं, तो मतलब बिहार की ही होंगी ना? हाँ, मेरा नेटिव बिहार का ही है। अच्छा, तो दशहरा वहाँ बैंगलोर में इस तरह से मनाया जाता है? हाँ, मनाया जाता है, बट बेसिकली इस टाइप का नहीं होता है, बट वहाँ पे भी कम्युनिटी है, बंगाली कम्युनिटी है, तो वहाँ पे दुर्गा पूजा होती है। इस तरह से नहीं होता होगा? नहीं, लाइक यहाँ पे जिस तरह से पूजा होते हैं, भीड़ होते हैं, वहाँ पे नहीं होते। वहाँ पे मेन गरबा डांडिया और फिर भगवान को दूर से ही दर्शन किया जाता है। थोड़ा आप जो भी बगल में ही हैं, इधर आ जाइए, बगल की हैं। हाँ, मैं अपनी सिस्टर के आई हूँ। अच्छा, ये एतवारपुर में इस तरह का जो आप ये देख रहे हैं? विजिट किया मैंने, सिटी भी विजिट किया। दिस इज़ द वन आई लाइक एंड दिस इज़ द बिग वन, सो दिस इज़ वेरी ग्रेट एंड दैट ब्यूटीफुल प्रतिमा, सो आई वेरी लाइक इट। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप देख सकती हैं इनका ये कहना है कि बाहर में हालांकि दशहरा इस तरह से मनाई जाती है, लेकिन वहाँ पे डांडिया वगैरह गरबा वगैरह ज़्यादा होता है, लेकिन इस तरह से भव्य जो पूजा है इस तरह से नहीं होता है, दूर से ही सारा कुछ देखिए। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार का बात ही अलग है,
दुर्गा पूजा का खास कर लेकर। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ, और भी कुछ पंडाल में मैं जाऊंगी जहां की जो खासियत है मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।